हेलो फ्रेंड्स, ये कहानी है सारा और जोनाथन की। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं। आज क्रिसमस ईव पर ये पहली बार एक ग्लव स्टोर में पहुँचे हैं। यहाँ दोनों एक ही ग्लव्स को पिक करते हैं खरीदने के लिए। इस तरह इत्तेफाकन दोनों में बातचीत शुरू हुई। दोनों को एक दूसरे की बातें अच्छी लगी। ये बगल के सेरेंडिटी रेस्टोरेंट में जाते हैं। दोनों आपस में बातें करते हैं और एक दूसरे के बारे में बताते हैं। सारा कहती है कि उसे हर चीज़ यूनिवर्स पर छोड़ देना अच्छा लगता है। जोनाथन बार बार सारा का नंबर मांगे जा रहा है, जबकि सारा कहती है कि अगर मिलना लिखा होगा तो मिल ही जाएंगे। ये सब बातें जोनाथन को बड़ी अटपटी लग रही हैं। वो तो चाहता है कि सारा का एड्रेस मिल जाए, वो सारा के घर जाए और दोनों आज की रात साथ में बिताएं। सारा यहाँ एक्सपेरिमेंट करती है। वो कहती है कि तुम अपना नंबर एक $5 के नोट पर लिखो। अगर हमें किस्मत में मिलना होगा तो ये नोट वापस मुझ तक आ जाएगा। मैं तुम्हें फ़ोन करूँगी और इस तरह हम मिल जाएंगे। जोनाथन को ये बात बड़ी अटपटी लगी, पर फिर भी सारा की बात मानने के लिए वो $5 के नोट पर अपना नंबर लिखता है और नाम लिखता है। सारा ये नोट ले जाकर मिंट खरीदती है। उसे उम्मीद है कि ये नोट कभी ना कभी तो उसके पास वापस आ ही जाएगा। जोनाथन सारा से उसके नंबर मांगने की जिद करता है। सारा एक नोट पर अपना नंबर लिख के देती है, पर यहाँ पर इतनी तेज़ हवा चली कि जोनाथन के हाथ से ये नोट उड़ गया। अब सारा को लग रहा है कि इससे तो यही पता चलता है कि इन दोनों को मिलना नहीं चाहिए। अंत में एक लास्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं। दोनों अलग अलग लिफ्ट में चढ़े हैं। कोई किसी को नहीं बताएगा कि वो लिफ्ट में कौन से फ्लोर पर जा रहा है। अगर ये दोनों एक ही फ्लोर पर पहुँचे तो इसका मतलब है कि दोनों को मिलना चाहिए। दोनों जब लिफ्ट में आए तब इत्तेफाकन ये 23 फ्लोर दबाते हैं। सारा तो 23 फ्लोर पर पहुँच गई, पर जोनाथन है जो कि रास्ते में अटक गया। 15 फ्लोर पर कुछ लोग और चढ़े, 10th फ्लोर पर कुछ लोग और चढ़े। वो 15 और 16 को प्रेस कर देते हैं। इस तरह जोनाथन 23 फ्लोर पर पहुंचने में लेट हो गया। सारा यहाँ थोड़ी देर वेट करती है। जब उसे लगा कि जोनाथन नहीं आएगा तब वो चली गई। सारा ने यह मान लिया कि इन दोनों का मिलना यूनिवर्स ने नहीं डिसाइड किया। इस तरह इन दोनों का रिश्ता बनते बनते टूट गया। इन सब के बाद कहानी कुछ साल आगे जाती है। जोनाथन आजकल हेली के साथ रहता है। दोनों एक ही अपार्टमेंट शेयर करते हैं और साथ में घपाघप करते हैं। जोनाथन को हमें दिखाया जाता है कि वो हेली के साथ घपाघप तो करता है, पर वो उसके साथ खुश नहीं है। उसे अक्सर सारा याद आती रहती है। इसके बाद हमें सारा को दिखाया जाता है। वो भी आजकल म्यूजिशियन लार्स के साथ इंगेज्ड है। दोनों साथ में रहते हैं, घपाघप करते हैं, पर सारा को अक्सर जोनाथन की याद आती है। एक काउंसलिंग के दौरान सारा अपने पेशेंट से बात कर रही है। उसका पेशेंट भी वही कहानी सुना रहा है जो कि सारा की कहानी है। सारा अपने पेशेंट से कहती है कि उसे अपने प्यार के लिए ज़रूर जाना चाहिए। इसके बाद सारा को रियलाइज़ हुआ है कि वो भी अपना प्यार क्यों ना ढूंढे। अब वो धीरे धीरे जोनाथन को मिस करने लगी है। सारा आजकल सैन फ्रांसिस्को में रहती है। अगर उसे जोनाथन तक पहुंचना है तो न्यूयॉर्क तो जाना ही होगा। वो अपनी फ्रेंड ईव से मिलकर कहती है कि उसे न्यूयॉर्क जाना है जोनाथन को ढूंढने। पहले तो ईव को बड़ी हंसी आई सारा पर सारा की जिद पर उसे हाँ करना पड़ा। अब ईव और सारा पहुँचे हैं न्यूयॉर्क जोनाथन को ढूंढने। इधर जोनाथन भी हेली के साथ खुश नहीं है। वो उसके साथ घपाघप तो करता है पर शादी नहीं करना चाहता। शादी तो सारा से ही होनी चाहिए, इसलिए अब वो भी अपने फ्रेंड डीन से मिला है। अपनी कहानी बयां करता है। डीन भी कहता है कि वो उसकी हेल्प ज़रूर करेगा सारा को ढूंढने में। जोनाथन को याद आया वो स्टोर जहां वो सारा से पहली बार मिला था। उसे अपने घर में वो बिल मिला है जिससे कि सारा ने पे किया था ग्लव्स के बिल के तौर पर। इस बिल में सारा का अकाउंट नंबर लिखा है। जोनाथन स्टोर में पहुँच कर सेल्समैन से पूछता है कि इस अकाउंट नंबर की डिटेल्स उसे मिल सकती हैं। पहले तो सेल्समैन मना कर देता है, फिर कहता है कि उसका इस महीने का टारगेट पूरा नहीं हुआ। अगर $700 की सेल हो जाए तो ज़रूर उसकी हेल्प कर सकता है। जोनाथन एक्साइटमेंट में यहाँ पे $700 की खरीदारी करता है। इसके बाद सेल्समैन बताता है कि अकाउंट तो डेड हो चुका है। अब जोनाथन कहता है कि तू भी मेरे हाथ से डेड हो जाएगा। यहाँ सेल्समैन कहता है कि एक तरीका है जिससे हम सारा की डिटेल्स हासिल कर सकते हैं, और वो ये है कि इस स्टोर में जब भी कोई आता है तब हम उससे क्रेडिट कार्ड बेचने के लिए उसकी डिटेल्स लेते हैं। इस तरह जोनाथन और वो सेल्समैन पहुँचे हैं उस लोकेशन पर जहाँ पर सारा की फ़ाइल रखी है। यहाँ बहुत से कस्टमर्स की फ़ाइल है, ऐसे में सारा की फ़ाइल को ढूंढना बहुत मुश्किल है। बेचारे जोनाथन को सारा का एड्रेस नहीं मिला। इधर सारा भी ईव के साथ पूरे न्यूयॉर्क को छान मार रही है। ये उस जगह पर जाती है जहाँ कुछ लोग गोल्फ खेल रहे हैं। उसे लगा कि शायद यहाँ पर जोनाथन आता होगा, पर वो यहाँ भी नहीं मिला। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ईव और हेली दोस्त निकले। ये दोनों कॉलेज फ्रेंड्स हैं। अब जब हेली शादी करने वाली है जोनाथन से, तो वो ईव को अपनी शादी पर इनवाइट करती है। ईव ने एक बुक गिफ्ट किया हेली को, हेली ने बुक गिफ्ट किया है जोनाथन को।
जोनाथन जब इस बुक को खोलता है तो फर्स्ट पेज पर सारा थॉमस का नाम लिखा है और साथ में उसका नंबर भी। इस तरह जोनाथन डीन से मिलकर सारा का एड्रेस निकलवाता है। अब ये दोनों पहुँचे हैं सैन फ्रांसिस्को। खिड़की पर सबसे पहले पहुँचा है डीन। डीन खिड़की से देखता है कि अंदर एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ गपागप कर रही है। उसे लगा कि ये सारा है। वो जाकर जोनाथन को रोकता है और कहता है कि तुम मत जाओ, अगर तुमने खिड़की के उस पार देखा तो तुम्हारा दिल टूट जाएगा। जोनाथन नहीं मानता। वो तेज़ी से खिड़की की तरफ जाता है। डीन उसके पैर पकड़कर उसे खींचता है। यहाँ बड़ी कॉमेडी होती है। पर जब जोनाथन ने एक लड़की को गपागप करते हुए देखा अपने बॉयफ्रेंड के साथ, तब उसे लगा कि ये सारा ही है। इस तरह उसका दिल टूट गया। पर वास्तविकता यह है कि ये सारा की बहन है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ गपागप कर रही है। अब जोनाथन ने सारा को पाने की उम्मीदें छोड़ दी हैं। इधर सारा के हाथ वो $5 का नोट लग गया है जिस पर कि जोनाथन ने अपना नाम और नंबर लिखा था। वो इस नंबर पर फ़ोन लगाती है। ये नंबर जोनाथन के ऑफिस का निकला। इस तरह उसे जोनाथन का एड्रेस मिल गया है। सारा दौड़ते हुए जोनाथन के एड्रेस पर पहुंचती है। पर यहाँ ट्रेजिडी हो गई। यहाँ उसे पता चला कि आज ही तो जोनाथन की शादी है हैली से। सारा दौड़ते हुए लोकेशन पर पहुंची है, पर वो काफ़ी देर कर चुकी है। सभी लोग यहाँ से जा चुके हैं। सारा हताश होते हुए यहाँ से जाने लगती है। तभी यहाँ का स्वीपर बताता है कि ये शादी तो आज सुबह ही कैंसिल हो गई। सारा को रियलाइज़ हुआ है कि ज़रूर जोनाथन अभी भी उससे प्यार करता है, तभी तो उसने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी नहीं की। इधर हम जोनाथन को देखते हैं जो कि उस जगह पर पहुंचा है जहां वो पहली बार सारा से मिला था। दोनों ने यहां साथ में स्केटिंग की थी। यहां पर बर्फ़ भी पड़ रही थी। ये सारे मोमेंट्स उसे याद आ रहे हैं। यहां बेंच पर उसे एक लेदर जैकेट मिला है। इस जैकेट को लिए वो स्केटिंग फील्ड में पहुँचा है। यहाँ बीचों बीच बैठा वो अपनी डेस्टिनी पर रो रहा है। यहाँ जब बर्फ़ गिरनी शुरू होती है तब वो इस लेदर जैकेट को तकिया बनाकर यहाँ लेट जाता है। सभी लोग तो यहाँ से चले गए जबकि जोनाथन और उसका कश्मीरी ग्लव यहाँ पड़ा हुआ है। इतने में दूसरा कश्मीरी ग्लव्स अचानक से हवा में उड़ता हुआ उसके ऊपर गिरता है। जोनाथन को हैरानी हुई है। वो उठकर बैठ जाता है। वो देखता है कि दोनों ग्लव्स तो एक ही हैं। तभी यहाँ सारा चलते हुए आती दिखती है। जोनाथन एक्साइटमेंट में उसकी तरफ जाता है। यहाँ दोनों एक दूसरे को देखते हैं। ये कुछ कहते नहीं हैं पर सब कुछ इन दोनों को समझ आ चुका है कि वास्तव में दोनों एक दूसरे को कितना ढूंढ रहे थे। इसके बाद दोनों यहाँ पर आपस में चुंबन क्रिया करते हैं। इसके बाद हमें एक साल आगे ले जाया जाता है। ये दोनों फिर से उसी स्टोर में मिले हैं। आज ये अपनी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। इनकी बातों से यहाँ का सेल्समैन बोर हो चुका है। वो तो इन दोनों को यहाँ से भगा देना चाहता है। उसे मालूम कि ये दोनों कुछ खरीदने नहीं वाले, बस आपस में रोमांटिक बातें किए जा रहे हैं। इस समय सारा और जोनाथन के चेहरों पर स्माइल है और फिल्म यहीं समाप्त हो जाती है।